किसी एक गांव में दो बहनें रहा करती थी। एक का नाम था टुनटुनी तो दूसरे का नाम था सुनहरी। टुनटुनी के कम पढ़े लिखे होने के कारण उसकी शादी एक गरीब परिवार में कालू नाम के एक कौवे से हुआ। वहीं सुनहरी के सुंदरता और पढ़े लिखे होने के कारण उसकी शादी एक अमीर परिवार में एक बंटी नाम के एक कबूतर से हुई। अपनी सुंदरता की घमंड तो सुनहरी को बचपन से ही थी और शादी होने के बाद तो उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास में ही रहा करती थी। जब भी मौका मिलता सुनहरी टुनटुनी के गरीबी होने के कारण उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती। अरे टुनटुनी तुम्हें पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का कंगन दिलाया और बबली मौसी के घर के सामने वाला जमीन भी खरीद रहे हैं जिसकी कीमत लगभग 10 से 12 लाख रुपया है और तुमने तो शायद शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा। मगर कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारे घर में तो खाने का भी ठिकाना नहीं है। तो तुम्हारा पति तुम्हें कहाँ से इतने महंगे महंगे चीजें ला कर देगा। वैसे भी सोना चांदी कोई मंडी का सब्जी नहीं है जो तुम्हारे पति तुम्हें ला कर देगा। सोने की चीजें तो बस पैसा वाला ही खरीद सकता है। इतना सारा सुनकर टुनटुनी को बुरा तो लगती लेकिन वह सुनहरी से कुछ भी नहीं कहती। वो अपने आप का दुख को अपने पास ही छुपा के रख लेती। टुनटुनी की एक एक दिन भी बड़ी ही तंगहाली में गुजर रही थी। दो वक्त का रोटी भी बड़ी ही मुश्किल से जुट पाता था। कई बार तो टुनटुनी ने सुनहरी से अपनी मदद करने की गुहार की। सुनहरी बहन मेरी थोड़ी मदद कर दे, आज हमारे घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। वैसे में मेरे पति आज जंगल के जमींदार सेठ नटराज सिंह के पास गया लेकिन जमींदार ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। बहन मुझे कुछ पैसों की मदद कर दे, फसल बिकते ही हम तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। अरे टुनटुनी दीदी तू आज पैसा मांगने आई, यदि तू कल पैसा मांगने आती तो शायद मैं तुम्हारे कुछ पैसों की मदद कर देती। मैंने तुम्हें कल बताया था ना कि हमने बबली मौसी की जमीन खरीद ली है, इसलिए मेरे पति घर में रखे सारे पैसे को लेकर बबली मौसी के घर देकर आया है। आज घर में एक भी पैसा बचा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा कोई भी मदद नहीं कर सकता बहन। सुनहरी ने उसकी कभी भी कोई मदद नहीं की। टुनटुनी जब भी पैसे मांगने आती तो सुनहरी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे बिना पैसा दिया ही भेज देती। एक दिन टुनटुनी ने सोचा, सुनहरी ने भी पैसे देने से इनकार कर दिए, क्यों ना मैं अपने मायके जाकर अपने बड़े भाई से कुछ मदद मांगती हूँ, वो मुझे पैसे देने से इनकार नहीं करेगा। इतना सोचकर टुनटुनी अपने मायके की ओर चली जाती है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे एक बूढ़ा साधु महाराज दिखाई देता है। बाबा आप इतनी गर्मी में इतना भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये मटका मुझे दे दीजिए, मैं भी उसी रास्ते से जा रही हूँ। ये मटका मुझे दे दीजिए, मैं आपके घर तक इसे छोड़ देती हूँ। नहीं बेटी, मैं ये मटका खुद लेकर ही चला जाऊंगा। तुम जिस काम से जा रहे हो तुम आराम से जाओ बेटी। नहीं बाबा, मैं आराम से तभी जा पाऊंगी जब आप ये मटका मुझे आपके घर तक छोड़ने का मौका देंगे, वरना मुझे पूरा दिन अफसोस होगा कि मैंने उस बूढ़े बाबा की मदद नहीं की। लाइए ये मटका मुझे दे दीजिए, मैं इसे आपके घर तक छोड़ देती हूँ। टुनटुनी साधु महाराज का मटका को अपने सर पर लेकर उसे साधु महाराज जी के घर तक छोड़ देती है। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर टुनटुनी अपने बड़े भाई के घर चली आती है लेकिन भैया उस टाइम घर पर नहीं था। अरे भाभी भैया कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। आपके भाई अभी घर पर नहीं है, क्या बात है आप हमें बताइए। अरे भाभी मैं आपको क्या बताऊँ, अभी हमारे घर के आठ
आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, दो वक्त का रोटी मिलना भी मुश्किल हो रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं है जो तुम्हें एक थैली तोड़कर दे दूं। और एक बात, यदि पैसे मांगने के अलावा कोई काम हो तो तुम आना, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं भाभी, और कोई तो काम नहीं है, भैया से कुछ पैसों की मदद मांगने आई थी, अब जा रही हूँ। भाभी ने उसे घर से निकाल देती है। दुखी होकर टुनटुनी अपने घर वापस चली आई। रास्ते में उसे वही साधु महाराज मिला। बेटी, इतनी धूप में कहाँ जा रही हो? आओ इधर आओ। बेटी, तुम इस गांव में किसके घर आई थी? बाबा, इस गांव में मेरा एक भाई रहता है, मैं उसी के पास कुछ पैसों की मदद मांगने गई थी, लेकिन कोई भी मदद नहीं मिला, और अभी हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। टुनटुनी ने साधु महाराज को सारी बात बताई। ठीक है बेटी, मुझे तुम्हारी सारी बात समझ में आ गई। तुम ये मटका लो और इससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। नहीं बाबा, मुझे कोई घड़ा नहीं चाहिए, वैसे भी आपने इसे इतनी मेहनत करके बनाया, और यदि मैं ये घड़ा लेकर चला जाऊंगा तो आपका इतना मेहनत बर्बाद हो जाएगा, वैसे भी ये घड़ा मेरा कोई काम का नहीं है। बेटी, इस घड़े को तुम मामूली घड़ा समझने की भूल मत करो, ये कोई मामूली घड़ा नहीं है, ये एक जादुई घड़ा है। तुम इस घड़े के सामने जो कुछ भी मांगोगे वो हर एक चीज इस घड़े से निकल के आएगा। नहीं बाबा, फिर भी ये घड़ा मुझे नहीं चाहिए, इस घड़े को आप ही रख लीजिए, आपके कभी काम आएगा। बेटी, इस तरीके के घड़े मेरे पास और चार है, इसमें से तुम एक ले लो, तुम भी तो मेरी बेटी ही हो ना। बाबा के बार बार कहने से टुनटुनी वो घड़ा ले लेती है। बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगा। टुनटुनी उस घड़े को लेकर अपने घर चली आती है। अरे टुनटुनी, आज तो तुम अपने भाई के घर गई थी ना, तुम्हारे भाई ने अपनी कुछ मदद करी? हाँ जी, मैं अपने भाई के पास गई थी, लेकिन भैया घर पर नहीं था, और भाभी ने तो पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, इसका मतलब हमें आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा? नहीं जी, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा, आज हमें पैसों से भी ज्यादा कीमती चीज मिला है। टुनटुनी कालू को सारी बात समझाती है कि उसे एक रास्ते में साधु महाराज मिला और उसने वो उसे मटका दिया। अरे वाह टुनटुनी, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी चीज लाई है, जाओ जल्दी से तुम उस घड़े की मदद से कुछ अच्छे से खाना लेकर आओ, अपन दोनों साथ मिलकर खाएंगे, आज मैं सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ जी, आप बस दो मिनट रुकिए, मैं आपके लिए कोई अच्छे से खाना लेकर आती हूँ। हे जादुई मटके, आज हम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाए, आप हम दोनों के लिए कोई अच्छा सा खाना दीजिए, जिसे खाकर हम दोनों का पेट भर सके। ये देखिए जी, उस जादुई मटके से कितना अच्छा सा खाना निकला। अरे वाह टुनटुनी, ये सब खाना उस घड़े से निकला? हाँ जी, ये सब उस जादुई घड़े का खाना है। अरे टुनटुनी, इतना अच्छा खाना तो मैं जीवन में कभी नहीं खाई, और इतना महंगा खाना हम जैसे गरीबों की बस में नहीं है टुनटुनी, लेकिन उस जादुई घड़े की मदद से ये खाना मुझे नसीब हुआ। सिर्फ खाना ही नहीं जी, आप जो कुछ भी मांगेंगे वो हर एक चीज इस घड़े से निकल के आएगा। टुनटुनी, क्या सच में तुम्हें ये घड़ा साधु महाराज ने दिया? हाँ जी, मैं सच कह रही हूँ, ये घड़ा मुझे उस बाबा ने ही दिया। टुनटुनी, मुझे तो अपने आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हाँ जी, आप सच कह रहे हैं, भगवान ने हमारी गरीबी दूर करने के लिए ही ये घड़ा हमें भेजा है। अब मैं इस घड़े की मदद से इस जंगल के हर एक गरीब पक्षियों की मदद करूँगी। उस घड़े को पाकर टुनटुनी और कालू कौवे के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है और उन दोनों ने अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाया, जिसमें हर एक प्रकार का सुविधाएं था, एसी, कूलर, फ्रिज,
वॉशिंग मशीन, वो हर एक चीजें जो एक अमीर परिवार में होना चाहिए। टुनटुनी की इतना जल्दी तरक्की को देखकर सोनहरी को बहुत ही जलन होती थी और वो अपने पति से कहती है, बंटी जी ये मेरी बहन टुनटुनी कुछ दिन पहले मेरे पास पैसों की भीख मांगने आई थी और अब तो ये हमसे भी ज्यादा पैसे वाली बन गई। इस टुनटुनी का कुछ ना कुछ करना होगा वरना ये तो हमें भाव भी नहीं देगा। तुम टेंशन क्यों लेती हो भाग्यवान, तुम आदेश करो तो मैं कल ही इस टुनटुनी को पहले जैसा भिखारन बना दूंगा। वो कैसे हो सकता है जी? मैं चाहूँ तो सब कुछ हो सकता है। टुनटुनी आज जो कुछ भी है सब उस जादुई घड़े की वजह से है। मैं उसी को चुरा लूंगा, उसके बाद हम टुनटुनी से 10 गुना अमीर हो जाएंगे। तुम इसमें क्या बोलती हो? इसमें बोलने वाली क्या बात है जी, हम तो बस टुनटुनी को गरीब और अपने आप को अमीर बनाना चाहते हैं। तब ठीक है, अब तुम सिर्फ मेरा खेल देखो। अगले दिन बंटी मौका देखकर टुनटुनी के घर से उस घड़े को चुरा कर अपने घर ले आता है। देखा टुनटुनी मेरा खेल, अब हम जितना चाहे इस घड़े से उतना पैसे निकाल सकते हैं। तब देर किस बात की जी, शुभ कामों में देर नहीं करनी चाहिए। आप जल्दी से इस घड़े की मदद से पैसे और सोने की बारिश कराइए। ठीक है टुनटुनी, अब तो तुम सोने और पैसे को इकट्ठा करने की तैयारी में लग जाओ। हे जादुई मटका, आज मेरे घर में सोने और पैसे की बारिश हो जाए। इतना कहते ही उन दोनों के घर पर सोने और पैसे की बारिश होने लगता है। तभी दो सोने का ईंट एक बंटी के ऊपर और एक सोनेरी के ऊपर गिर जाता है, जिससे उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाता है। क्योंकि वो घड़ा बंटी और सोनेरी के कर्मों का फल नहीं बल्कि टुनटुनी के कर्मों का फल था। बंटी और सोनेरी के कर्मों में जो था उससे वो मिल गया और टुनटुनी के कर्मों में जो था उससे वो मिल गया, क्योंकि वो टुनटुनी का ही कर्मों का फल था। इसके बाद टुनटुनी और कालू कौवा उस जंगल में रहने वाले हर एक गरीब पक्षियों की मदद करने लगा और वो पति पत्नी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा।